हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट डिज़ायर। आज के वीडियो का एजेंडा है, टॉपिक है मसाई स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाले टेस्ट एमसेट 1 और एमसेट 2 में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, किस टॉपिक पर हमको बोलना होता है, इस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मसाई एडमिशन के लिए दो अलग अलग टेस्ट लेता है, जो कि एमसेट 1 और एमसेट 2 होता है। एमसेट 1 में आपके 15 एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 15 मिनट दिए जाते हैं इन 15 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाए और आप इजीली एमसेट 1 को क्लियर कर सकें। तो एमसेट 1 क्लियर करने के बाद आपको एमसेट 2 देना पड़ता है एडमिशन के लिए मसाई में। इसमें आपको 35 टू 40 मिनट्स मिलते हैं एमसेट 2 के लिए, और इसमें आपको टोटल सेक्शंस मिलते हैं, 6 होते हैं, और इसमें टोटल संख्या जो होती है क्वेश्चंस की वो होती है 54 होती है। तो देखते हैं आप सेक्शन 1 में क्या होता है। सेक्शन 1 में आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड 5 मिनट्स मिलते हैं इनको इन 25 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और इसमें जो क्वेश्चंस का जो टाइप होता है हमारा, वो जैसे कोई सेंटेंस है उसमें एस कितनी बार आया है, एस लेटर कितनी बार आया है, उसको आपको काउंट करके बताना होता है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में दोस्तों आपके 7 क्वेश्चन होते हैं और उसमें टाइमिंग होती है 7 मिनट। इसमें क्वेश्चंस के जो टाइप होता है वो रीजनिंग मैथ से रिलेटेड रहता है। आपको हो सकता है मिक्स क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर आपका सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं और टाइमिंग इसमें आपको 10 मिनट मिलती है। इसमें बेसिकली लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 में आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको टोटल टाइमिंग इसमें 7 मिलती है। इसमें आपको लॉजिकल बेस्ड, मैथ बेस्ड या फिर रीजनिंग बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आखिरी में इसके बाद आता है आपको 5वां सेक्शन आता है। 5वां सेक्शन में इसमें क्वेश्चन 7 होते हैं और आपकी टाइमिंग होती है 7 मिनट्स होती है, और इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो इंग्लिश बेस्ड रहेंगे, आपको इंग्लिश बेस्ड इसमें। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट सेक्शन आता है। इस सेक्शन को मसाई ने अभी ऐड किया है बिल्कुल एमसेट 2 में। इसके पहले एमसेट 2 जो होता था वो उसमें हमारा इंटरव्यू जो होता था वो कोई पर्सन पर्सनली हमारा लेता था इंटरव्यू, बट इस मसाई ने उस चीज़ को हटा के यहाँ पे एमसेट 2 में एक अलग सेक्शन ऐड कर दिया है, सेक्शन 6। जो सेक्शन 6 में क्या होता है, आपका इंटरव्यू राउंड कहलाता है ये। इसमें आपको टोटल 5 मिनट मिलते हैं और इसमें आपको 2 मिनट मिलते हैं थिंकिंग टाइम होती है, और इसमें आपको स्पीकिंग टाइम 3 मिनट मिलता है। इसमें कोई 3 टॉपिक रहते हैं आपके पास, 3 टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक को आपको चूज़ करना होता है, उस पर आपको 3 मिनट बोलने होते हैं। आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा आगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग टाइम होता है वो 3 मिनट का रहता है। आप 3 मिनट से कम भी बोल सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा बोले, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वहाँ पर चेक हो सके। कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ, जैसे कि हो सकता है 1 लाइफ लेसन, व्हाई डू यू थिंक आईटी सेक्टर इज़ बूमिंग इन इंडिया, ये हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही कुछ टॉपिक आपको मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे भी आपको ऐसे ही टॉपिक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस राउंड को प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस राउंड को क्लियर करने के बाद अगर एमसेट 2 आपका क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है। इसमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपकी क्लासेस जब शेड्यूल डेट पे चलती हैं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।